अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज काफ़ी डेज के बाद मैं आपके लिए अगेन एक एक्सटेंसिव रिव्यू लेकर आया हूँ टोयोटा करोला एक्सी का। ये जो गाड़ी है ये आई थी 1996 से लेके और ऑनवर्ड ये 2001 तक आती रही है। इसमें दो तीन वेरिएंट आए हैं, एक एक्सी था, एक जी था और एक इसके अंदर था एक्सी लिमिटेड एडिशन, मतलब जो डीजल इंजन के साथ था। और ये जो गाड़ी है ये पेट्रोल इंजन के साथ है और ये लिमिटेड एडिशन है। तो डिस्कस करेंगे आज हम इस गाड़ी में क्या है, इस पर प्रोज एंड कॉन्स और क्या इसके फीचर्स हैं जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं लिमिटेड एडिशन को नॉर्मल एडिशन से। सो स्टार्ट करते हैं हम रिव्यू को। तो हम सबसे पहले इसके मूव करते हैं, इसके मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस फिगर्स बता देता हूँ। इस गाड़ी में आता है 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन और ये इनलाइन EFI 4 सिलेंडर इंजन के साथ की गाड़ी है। बेसिकली ये आपसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स पहले की गाड़ी है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी ने अब तक ये गाड़ी ना जो जिन लोगों ने रखी हुई है मेंटेन रखी हुई है गाड़ी, एक रुपए का भी इस पर मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है और ये गाड़ी बड़ी परफेक्ट है अपने ड्राइव के हिसाब से, अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से। सो हम इसके स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में इसको उस टाइम इसके एक बड़ी स्लीक सी एक आई शेड में ना एक ऐसे स्मार्ट सी है हेलोजन ही हेडलाइट मानते थे, ठीक है ना। ऑल दो इसके साथ यहाँ पे आपके साइड इंडिकेटर्स हैं और इसके साथ उस टाइम कोई DRLs और इस तरह की तो कोई फ्रिल्स का कंसेप्ट ही नहीं था। उसके नीचे आपको यहाँ पे अगेन एक रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, ये जस्ट रिफ्लेक्टर है। कुछ लोग समझते हैं शायद ये भी इसके इंडिकेटर हैं और ये लाइट अप होते हैं, रिफ्लेक्टर हैं। और इसका जो अंदर जो है ना इसके जो इसका हेडलाइट के अंदर एक ब्लिंक करते हैं वो अंदर से आपको बल्ब नज़र आ रहे हैं छोटे से, वो वहाँ पे हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इसकी ग्रिल है, ठीक है ना, प्लेन सी स्लीक सी ग्रिल है। ऊपर थोड़ी सी क्रोम की गार्निशिंग है और यहाँ पे टोयोटा का होता है मोनोग्राम जो कि इस गाड़ी में उड़ी है खैर से। तो उसके नीचे मूव करें, यहाँ एयर इनटेक है और ये आफ्टर मार्केट ऐसे फॉग लैंप लगे हुए हैं। सो बाकी इस गाड़ी का जो फ्रंट एंड है बड़ा सिंपल सा था, लेकिन इसके जो बॉडी कट्स हैं और इस गाड़ी के जो डिज़ाइन है ये स्मार्ट, थोड़ी सी डाउन टू अर्थ है। इसका ये है कि इसके जो एयर प्रेशर है ना, इसके डिज़ाइन ऐसे है कि इस गाड़ी की जो ग्राउंड ग्रिप है और क्लियरेंस है ऑन हाईवे बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नीचे होने की वजह से और इसका जो डिज़ाइन ऐसे है कि एयर को कट करती है। सो मूव करते हैं हम इसकी साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे आते ही यहाँ पे आपको इसमें 13 इंच के इसके अंदर आपको नॉन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसमें आप ये टोयोटा का ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको किसी भी आप उसके डनलूप के या किसी भी जर्नल के सब टायर्स में ये ऐसा ऑप्टिमल जो साइज़ है ना टायर साइज में फिट हो जाते हैं, तो इसमें आपको उस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। बाकी मैं आपको इसके साइड प्रोफाइल एक दफ़ा दिखाता हूँ। इसकी साइड प्रोफाइल अगेन एक नॉर्मल सी स्लीक सी है, बाकी इसमें कोई ख़ास फ्रिल्स नहीं थी उस टाइम में। बाकी बेसिक चीज़ें सब हैं, बल्कि बेसिक से भी एडवांस है आपके लिहाज से देखा जाए तो। इसका जो डोर सॉरी जो है इसके जो साइड मिरर्स हैं वो इसके बॉडी कलर मैश्ड हैं, और अगेन इसके जो ये जो डोर हैंडल्स हैं ये बॉडी कलर इसमें नहीं है क्योंकि XE लिमिटेड एडिशन है, इसके अंदर नहीं आते थे। जिसमें जी था और जो जिसमें डीजल था उसके अंदर ये बॉडी कलर ही आते थे इसके डोर हैंडल्स भी। अगेन अगर आप पीछे मूव करें इसके, सो ये इसका बैक एंड है, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा लिमिटेड EXI, जैसे मैं आपको पहले बताया टोयोटा का ही मोनोग्राम। और अगर आप इसके बैक एंड को थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये है मॉडल, ये 1996 से 2000 तक इनमें सेम लाइट्स आई हैं, ठीक है ना। इसके अंदर इन्होंने ये किया हुआ है कि ये जो जिनकी गाड़ी है साहब की, उन्होंने इसको थोड़ा सा ब्लैक, ये वाइट होती है, ये उन्होंने ऊपर पेपर वर्क करके ना इसको थोड़ा सा वो टिंटेड किया हुआ है, मतलब लुक देने के लिए। ऑल दो और कोई आपको फ्रीज चेंज फील नहीं होगा इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा लिमिटेड करोला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बाकी बैक एंड इसका ठीक है, नॉर्मल साइज की एक था कि ये वाले जितने भी इसमें वेरिएंट्स थे ना, इनकी जो टेल लैम्प था वो थ्रू आउट इसके जो डिगी से थ्रू आउट फॉलो करता था एंड तक, कि एक ही एक लुक बनती थी। मैं आपको इसके बोर्ड दिखाता हूँ। करते हैं हम इसके इंटीरियर की तरफ। सो वेलकम टू इंटीरियर। जैसे इंटीरियर में आते ही आपको इस गाड़ी के अंदर एक जो फील आ रही है, हालांकि ये गाड़ी आज से 20 से 22 साल पुरानी है, लेकिन आप इसकी क्वालिटी पे देखें, आपको इस गाड़ी में कोई क्रैक्स कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से जो टोयोटा है ना अपनी क्वालिटी वाइज पे परफेक्ट कार आई है टोयोटा करोला।
अगर आप इसमें नोट करें, इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसका जो पावर, इसका जो स्टेयरिंग है, ये हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग है। एक आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है, उस टाइम हाइड्रोलिक होता था, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग है। यहाँ पे आपको इसका मीटर पे नोट करें, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, ठीक है ना, आपका टैकोमीटर, सब कुछ आपको बेसिक सारे नेसेसरी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। उसके साथ इसका जो एसी था वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत वेलकमिंग है। बाकी अगर आप इस गाड़ी में देखें ना, आपका इसका इसमें कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर है, ठीक है ना। उसके साथ अगर आप इसमें इसके डोर्स पे नोट करें, तो यहाँ पे आपको ना ये एक फोमिंग सा मटेरियल है, जो कि ना इसके टून के साथ, ये देखने ग्रे, तो इसमें ग्रे से लाइनिंग से स्टफ है, मतलब इसको ना उस टाइम की लग्जरी कार है अपने सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप नोट करें इसके फीचर्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हमें चारों पावर स्टीयरिंग मिल रहा है, पावर विंडोज मिल रहे हैं, डोर ऑटो लॉक है, विंडो लॉक है। उसमें जो इसके अंदर जो जी वेरिएंट है और जो लिमिटेड एडिशन था, उसके अंदर आपको जो है मिरर्स, वो भी पावर मिरर मिलते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन होता है पावर मिरर्स का, बल्कि ये एक्सी है तो इसके अंदर नहीं है। बाकी इसमें हमें जो गियर बॉक्स है, ये 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ है। बाकी ये जो एलईडी आप देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, ठीक है ना, ये इसमें उस टाइम तो कोई कंसेप्ट नहीं था। बाकी हैंड ब्रेक मैनुअल, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि अच्छा फ्रिल्ला जो लाजमी होना चाहिए। बाकी स्पेस के हिसाब से गाड़ी जबरदस्त है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसमें ये देखने फाइल होल्डर कह लें, इसमें आप छोटी सी बोतल भी प्लेस कर सकते हैं। बाकी इधर भी अच्छी खासी स्पेस है, जो इसका ग्लव बॉक्स है वो भी खासा सख्त हुआ है, खैर इसको हम नहीं खोल सकते। बाकी आप इसके पीछे देखें, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। एक फुल अच्छी फैमिली कार है, अगर आप वैल्यू टू मनी, अगर आपको ये अच्छी एक मेंटेन कार मिल रहा है तो। बाकी इसमें उस टाइम एड्रेस नहीं होते थे, ठीक है ना। बाकी इधर अगर आप नोट करें, तो इधर आपको थोड़ा सा एक तीसरे बंदे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे हम्प देख रहे हैं। बाकी फॉर अ लॉन्गर जर्नी चार लोग तो बहुत कंफर्टेबल इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। हम गाड़ी कंडीशन देख रहे हैं, हालांकि विद टाइम अच्छा खासा इसने टाइम ऑफ टेस्ट पास कर लिया 20-22 साल, लेकिन गाड़ी की कंडीशन बड़ी अच्छी है, बड़ी मेंटेन कार है। सो मूव करते हैं हम इसके एक्सटीरियर पे। मैं इसके आपको मार्केटिंग कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो किस वजह से गाड़ी अभी तक चल रही है। इस गाड़ी ने टाइम ऑफ जो फ्रेम है वो बड़ा अच्छा क्लियर किया है, और इसने अब इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रही है टोयोटा का। वैसे भी आपको पता है बिल्ड क्वालिटी में टोयोटा वन अप रही है, और इस गाड़ी का ये जो ब्रांड है टोयोटा क्रोला, तो वैसे भी अपने किसी भी जनरेशन में, इन जनरेशन में तो खासतौर पर बहुत अच्छी रही है। और इसके बाद आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे फीचर्स हैं, और एक अच्छी फैमिली कार है विद इनफ एम्पल बूट और 1.3 लीटर इंजन और सारे बेसिक ऑप्शंस के साथ। अभी भी किसी के पास ये गाड़ी और वो मेंटेन्ड है, वो नई जो सेडान है इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में जो प्राइजेस हैं, उस हिसाब से ये गाड़ियां लाख गुना बेहतर है उनसे। सो आज का रिव्यू यही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।